नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रेविटी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्य पुस्तिका में हम गणित कक्षा 4 से संबंधित कुछ टॉपिक्स लेकर आए हैं। गणित कक्षा 4 में अपन ने 3 वर्कशीट कंप्लीट कर ली थी। तीनों वर्कशीट में अपन ने संख्याओं को व्यवस्थित क्रम में जमाना सीखा था कि किस प्रकार से संख्याओं को व्यवस्थित क्रम में जमाया जा सकता है। इसमें कार्यपत्रक 1 के बारे में अपन देखें तो कार्यपत्रक 1 में अपन ने सीखा था कि सीक्वेंस से या क्रमबद्ध तरीके से किस प्रकार से संख्याओं को जमाया जा सकता है और किस प्रकार से आगे वाली संख्या का पता लगाया सकता है। कोई संख्या दी गई है, उसके जस्ट आगे वाली संख्या में 1 जोड़कर अपन आगे वाली संख्या निकाल सकते हैं और 1 घटाकर पीछे वाली संख्या निकाल सकते हैं, इसके बारे में अपन ने पता किया था। कार्यपत्रक 2 में अपन ने 4 अंकों से बनने वाली सभी संख्याओं के बारे में बातचीत की थी कि 4 अंकों से कितनी संख्याएँ बन सकती हैं, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इसके बारे में अपन ने बातचीत की थी। और इसी क्रम में कार्यपत्रक 3 में अपन ने स्केल के बारे में देखा था कि स्केल किस टाइप से, स्केल पर अपन मान, किसी संख्या का मान प्राप्त करते हैं या उनके बीच में किस किस टाइप से संख्या आती है, 2 संख्याओं के बीच में 10 जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं उनमें किस किस टाइप की संख्या रहती है, इसके बारे में सीखा था। अब कार्यपत्रक 4 में अपन बातचीत कर रहे हैं। कार्यपत्रक 4 आज का यही टॉपिक है, कार्यपत्रक 4। तो कार्यपत्रक 4 के बारे में अपन बातचीत करें। कार्यपत्रक 4 में अपने को संख्या का ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है। अब इसमें चित्र या संकेतीकरण के द्वारा संख्या निर्माण के बारे में अपन बातचीत करेंगे और इसमें भी ये भी काफ़ी हद तक जो है वो स्थानीय मान के प्रोसेस पर ही चलेगा। स्थानीय मान का प्रोसेस यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उस वाले क्रम या सिक्वेंस में ही अपन चलेंगे। यहाँ पर कुछ चित्र अपने को दर्शाए गए हैं या संकेत अपने को दर्शाए गए हैं, उसमें इकाई के लिए किस प्रकार के चित्रों का प्रयोग किया गया है उसके बारे में दिखाया गया है, दहाई में किस प्रकार के चित्रों का प्रयोग किया गया है उसके बारे में दिखाया गया है, सैकड़ा में किस प्रकार के चित्र का प्रयोग किया गया है उसके बारे में दिखाया गया है, हजार में किस प्रकार के चित्र का प्रयोग किया गया है उसको दिखाया गया है, और फिर इन सभी को एक साथ मिला लिए जाने पर कौन सी संख्या बनती है इसमें ये अपने को समझाया गया है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, अपन समय ज़्यादा खराब नहीं करेंगे। चलिए सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम कंप्लीट कर लें, नाम लिख लें। और आज जो है मैं ये जब स्टार्ट कर रहा हूँ तब आज का तारीख है 29 नवंबर 2020, मैंने तारीख लगा दी। आप जब भी इसको कंप्लीट करो वही तारीख लगाना। यहाँ पर देखो, चित्र संकेतीकरण द्वारा संख्या निर्माण करना, ये अपन आज का सीखने वाले हैं। आज ये चित्र संकेतीकरण के द्वारा संख्याओं को सीखना, प्रतीक चित्र की सहायता से बॉक्स में संख्या भरिए। जो एक डिब्बा है जिसके अंदर क्या नाम, पूरा फिल है डिब्बा, वो इकाई का अंक है, इकाई। दहाई के लिए स्टार का यूज किया गया है, एक दहाई के लिए। सैकड़ा के लिए एक पेंटागन, 5 भुजाओं वाली बंद आकृति दिखाई गई है सैकड़ा के लिए। और हजार के लिए जो है, हजार, ये हजार है, हजार के लिए एक सर्कल का प्रयोग किया गया है, गोले का प्रयोग किया गया है। तो देखो सबसे पहले अपन इधर से स्टार्ट करते हैं। अपन ने एक जो है इस टाइप से टेबल बना लिए, हजार के लिए, फिर सैकड़ा के लिए, फिर दहाई के लिए, फिर इकाई के लिए, फिर संख्या को लिखना है। तो इकाई के लिए कुछ इस टाइप का निशान था, उन ऐसे जितने भी बॉक्स आएंगे उनको गिनकर इस बॉक्स में, इस वाले बॉक्स में रखते जाएंगे। दहाई की जगह पर एक हेक्सागोनल टाइप से या स्टार टाइप से कुछ था, ठीक है, इसमें दहाई की संख्याएँ लिखी गई थी। सैकड़ा के लिए एक पेंटागोनल था, एक पंचभुज था, उसको गिनकर अपन इस पंचभुज की जितनी भी संख्या आएगी उसमें लिखते जाएंगे। और हजार के लिए एक सर्कल था। तो गिनती गिनना स्टार्ट करो पहले में। ये पहला अपने को दिया गया है 1, 2, तो 2 × 1000, इसका मतलब है जितनी भी संख्या में ये आएगी इंटू हजार रहेगा इनके साथ, ठीक है। सैकड़ा के लिए इंटू 100, ठीक है, और दहाई के लिए इंटू 10, और इकाई के लिए इंटू 1, और फिर इनसे जो संख्याएं बनेगी उनको यहाँ पर अपने को लिखना है। तो ऐसे ही पहले में लिखा गया है, 2 है तो 2 × 1000 2000, ये इसका स्थानीय मान बन गया इस अंक का। 1, 2, 3, 4 कितने हैं, 4 हैं, 4 × 100 400, ये इसका स्थानीय मान बन गया इस 4 का। 1, 2, 3 3 है ये, तो 3 × 10 30, इनका स्थानीय मान बन गया। 1, 2, 3 ये इकाई के अंक हैं, तो 1 × 3 3, बस इनकी संख्या बना लीजिए। तो इकाई के अंक पर इकाई की संख्या, दहाई के अंक पर दहाई की संख्या, सैकड़ा के अंक पर और हजार के अंक पर, इन अंकों को ऐसे ही क्रमवाइज वापस लिख लीजिए। तो आपका
जो संख्या है वो कंप्लीट बन जाएगी। इस टाइप से ये संख्या बनी 2433। अब दूसरी संख्या अपन बनाते हैं, ठीक है। दूसरी संख्या अपन बनाएंगे तो हजार के स्थान पर है तीन, तीन गोले तो 3×1000, 3000, ठीक है। दहाई के स्थान पर है दो पंचभुज, क्या है, दो पंचभुज या दो पेंटागोनल, तो 2×100, 200, ये सैकड़ा वाली संख्या आ गई। अब दहाई वाली संख्याओं गिने 1, 2, 3, 4, 4×10, 40, ठीक है, 4×10, 40। इकाई के अंक गिनते हैं 1, 2, 3, 3×1, 3। तो अब इसको वापस इस सीक्वेंस में, इस क्रम में ऐसे इधर से चलते हुए लिख लीजिए। तो यहाँ से लिखते हैं 3, 4, 2 और 3, तो ये बन गया 3243। ये संख्या बन चुकी है अपने पास। आगे वाले क्रम पे चलते हैं अपन, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, अब चलते हैं। चलो, तो हजार वाले क्रम पे एक है तो एक लिख दिया मैंने, ठीक है। सैकड़ा में 1, 2, 3, तो ये मैंने 3 लिख दी है। दहाई पर 2 हैं तो ये 2 लिख दी है। इकाई पर 2 हैं तो ये 2 लिख दी है। अगर इसमें से किसी भी अंक का अपने को स्थानीय मान पूछे तो उसको हजार से, हजार वाले को हजार से गुणा करेंगे, सैकड़ा वाले को 100 से, दहाई वाले को 10 से और इकाई वाले को 1 से गुणा करेंगे। और संख्या बनानी है तो डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख देंगे, इधर से शुरू करेंगे 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, ये बन गया 1322, ठीक है। फिर आगे वाली बनाते हैं 1, 2, 3, 4, हजार वाले क्रम पे 4 हैं, सैकड़ा वाले पे 1, 2, 3, 4, ये भी 4 हैं, दहाई वाले पे केवल 1 हैं, इकाई वाले पे 1, 2, 3, 4, तो ये 4 बन रहे हैं। अब इन सबको मिलाकर लिखते हैं अपन 4, 4, 1, 4, ये संख्या बन गई 4414, ठीक है। आगे देखिए, फिर अगला वाला बनाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, हजार वाले क्रम पे 5×1000, 5000, फिर 1, 2, 2×100, 200, इनके स्थानीय मान मैं बोलता जा रहा हूँ, 1, 2, 3, दहाई वाले स्थान पर 3 है, 3×10, 30, इकाई वाले स्थान पर 2 है तो 2×1, 2। अब इनको ऐसे कैसे सीक्वेंस से लिख लीजिए, 5, 2, 3, 2, 5232, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं अपन, थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। चलिए अब आगे आ जाते हैं, ये हैं हजार वाले क्रम पे 1, 2, 3, हजार के 3 गोले हैं, ठीक है। अब सैकड़ा का एक पेंटागन है, एक पंचभुज सैकड़ा का भी है, 2 दहाई के हैं तो ये दहाई के भी 2 हैं, और इकाई के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हैं तो 6 लिख दिए मैंने। अब इनको मिला के लिख लेते हैं 3126। इस टाइप से संख्या बन गई है। चलिए आगे चलते हैं, फिर से हजार वाले गोलों को गिनो, फिर सैकड़ा वाले पंचभुजों को, फिर दहाई वाले स्टार को, फिर इकाई वाले ब्लॉक को। तो काउंट करते हैं ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5, 1, 2, ये 2 और ये 1, ये बना है 6521। इस टाइप से हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अब देखिए यहाँ पे हजार वाले में 1, 2, 3, ये हजार वाले गोले जो हैं 3 हैं, सैकड़ा के लिए पंचभुज हैं 1, 2, 3, ये भी 3 हैं तो इनको भी कॉपी कर दिया, और दहाई के लिए 2 स्टार हैं, ये 2 स्टार ले लिए, 1, 2, 3, 4, ये इकाई के हैं तो ये 4 ऐसे कैसे आ गया। अब इनको सबको कंबाइन करके लिखें तो 3324। इसी क्रम में आप आगे बढ़कर और भी बना सकते हैं। ऐसे प्रश्न नवोदय में पूछ लिए जाते हैं जिसमें प्रतीक देकर आपको संख्या निर्माण करवाया जाता है, ठीक है। चलो कुछ दो और बचे हैं, इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5, फिर एक सैकड़ा के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सैकड़ा के लिए 7, एक मिनट, सैकड़ा के लिए 7 अभी कर लेते हैं, हाँ सैकड़ा के लिए कितने आया था 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये सैकड़ा पे 7 लिख दिया। दहाई पर 1 ही है तो ये दहाई पर 1 लिख दिया। इकाई पर कुछ नहीं है इसका मतलब 0 है तो इकाई पर 0 लिख दिया। तो ये आ गया 5710,
ठीक है 5710। चलते हैं आगे वाले पे, एक फिर ये, एक दो तीन चार, तो ये चार सैकड़ा पे, दहाई पे एक दो तीन चार, ये भी चार और ये एक लिख दिया। अब इनको मिला के लिख लीजिए, एक चार चार एक, ये बन गया 1441। ठीक है, अब अपन ने कार्यपत्रक जो चार है इसमें क्या सीखा, इसके बारे में अपन बातचीत कर लेते हैं कि कार्यपत्रक चार में अपन क्या सीख चुके हैं। अपने को प्रतीक चिन्ह दे दिए जावें किन्हीं भी संख्याओं के, ठीक है, अभी तो इनका क्रम तो सबका सीक्वेंस से था, पर प्रतीक देखकर अपने को डायरेक्ट कहीं से भी कोई भी पूछ लिया जावे। जैसे मैं ही बना देता हूँ आपके लिए, इस टाइप से अपने को, ये अपने को संख्या दे दी गई है, ये कि ये प्रतीक हैं और इस टाइप से कोई अपने को दे दिया गया है। कहा जाता है कि अपने को इसका संख्या निर्माण कीजिए, तो अपने को पता होना चाहिए इकाई के अंक पर क्या है। इकाई के अंक पर है दो, तो ये एक और दो, तो ये इकाई के अंक पर मैंने दो लिख दिए। दहाई के अंक पर क्या था, स्टार था, स्टार कितना है एक है, तो मैंने एक लिख दिया। सैकड़ा के स्थान पर पंचभुज था, तो ये कितने हैं एक है, तो मैंने एक लिख दिया। और हजार के स्थान पर गोले हैं जो कितने हैं दो दिए गए हैं, तो ये भी मैंने लिख दिया। इस टाइप से संख्या बनी 2112। और इसी सबको अपन सीख रहे थे इस वाले कार्यपत्रक या वर्कशीट चार पर, ठीक है। तो आज अपन ने संख्या निर्माण करना सीखा, किस प्रकार से संख्याओं का निर्माण करना सीखा अपन ने, संकेतीकरण या चित्र संकेतीकरण के माध्यम से, संकेतों के द्वारा या चित्रों के संकेतों के द्वारा अपन ने संख्याओं का निर्माण करना सीखा इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाता है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबसे पहले इन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। धन्यवाद।